जयपुर सवाई माधोपुर हाईवे पर स्थित डिडाइच देवली रपट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिस नाव की सहायता से लोग नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे थे। वह नाव जिस रपट पर से लगभग 5 फीट पानी जा रहा था, उस रपट पर होकर दूसरी तरफ चली गई। जानकारी के अनुसार नाव में जरूरत से ज़्यादा लोग सवार हो गए थे। हालांकि नाव चालक ने उन्हें काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने नाव चालक की नहीं सुनते हुए नाव में अपना स्थान जमा लिया। जब नाव थोड़ी सी आगे सरकने लगी तो थोड़ी सी नाव में हड़बड़ी का माहौल पैदा हो गया और इसी हड़बड़ी के चलते नाव पानी की धार में फंस गई। इस पानी की धार में फंसकर नाव धीरे धीरे रपट की ओर बढ़ने लगी। हालांकि नाव चालक ने अपनी सूझबूझ और समझदारी के चलते नाव को बिल्कुल सही सलामत रपट के दूसरी तरफ उतार लिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जब नाव रपट पे से दूसरी तरफ गई, उस समय नाव में लगभग 20 से 25 पुरुष और महिलाएं सवार थीं। जब नाव रपट पर से दूसरी तरफ जा रही थी, उस समय वहां काफ़ी ग्रामीण तैनात थे। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार के एक हादसे की स्थिति में वो पूरी तरह से मुस्तैद थे और पानी उतरने के लिए भी तैयार थे। हालांकि गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ। 6 करोड़ से भी अधिक रुपए लगाकर इस रपट का निर्माण करवाया गया था, लेकिन यह रपट बरसात होने पर जैसे ही पानी बढ़ता है कुछ भी काम की नहीं रहती है। जब रपट बनाई गई थी, उस समय ग्रामीणों ने बहुत विरोध किया था कि यहाँ पर से रपट के स्थान पर पुलिया बनाया जाए, लेकिन प्रशासन ना किसी नेता ने उनकी बात पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। फिर ऊपर नहीं जा रहा, फिर निम्न ले रहा हूँ तभी शाइन लेता है।